नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आज सिनेमा घरों में जिस फिल्म ने दस्तक दी है पूरे देश में उसकी चर्चा है। कश्मीर फाइल्स के बाद में ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है। केरला स्टोरी सुबह से ही ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर ट्रेंड चल रहा है। हम अभी PVR सिनेमा के बाहर मौजूद हैं और कुछ युवाओं ने, जयपुर के युवाओं ने इस फिल्म को देखा है, उनसे जानेंगे कि उनका ओपिनियन इस फिल्म को लेकर किस तरह का है। सर, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह शेखावत। तो शुभम, ये बताइए, आप फिल्म देख के आए हैं, क्या ओपिनियन है फिल्म को लेकर? पहला जो ओपिनियन आपका है? मस्ट वॉच मूवी है, सभी गर्ल्स को और सभी मुस्लिम बॉयज़ को, सबको देखनी चाहिए। क्या कहानी क्या है फिल्म की? कहानी तो इसमें लव जिहाद की है, जैसे कि लड़कियां कैसे फंसाई जाती है, लड़कियों को बाद के अंदर अगर जो लड़कियां फंसती नहीं है उनके साथ में बाद में क्या करना होता है, उनकी पूरी प्लानिंग होती है। जी, उनको किसे प्लानिंग करते हुए दिखाया है, कौन है उसके पीछे? मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। जी, मुस्लिम स्कॉलर है और उनकी कॉलेजेस वगैरह चल रही है, कॉलेजेस के नर्सिंग कॉलेज के अंदर जाते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है, वहाँ जाके लड़कियों को ढूंढा, लड़कियों की फ़ोटोज़ क्लिक करी और उनको अलग अलग छांटा कि इसको हम जाएंगे इसके पास में, ऐसे ऐसे अलग अलग के पास गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविराज है जी। और मैंने ये मूवी देखी है, पूरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इस मूवी में हर जो चीज़ बताई गई है एंड में सारी चीज़ें विद प्रूफ बताई है इन्होंने कि यार क्या चीज़ थी और क्या चीज़ मूवी में, ये चीज़ एंड में कैसे, ये लोग कहाँ पर हैं आज भी, मतलब इन लोगों ने जो चीज़ बताई है मतलब ऐसी है कि आप एक बार को आप मतलब सोचने मजबूर हो जाओगे कि अपन लोग किस स्टेज पर जा रहे हैं आज और अपना जो मतलब कल्चर है उसको कैसे छोड़ सकते हैं, कितनी छोटी सी चीज़ पे। एक अपनी मतलब एक बेटी ने अपने बाप पे थूका सिर्फ इसलिए कि वो रिलीजन उसका हिंदू था और उसने बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अपने को सोचनी चाहिए और ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। मूवी बहुत बहुत अच्छी है और इस मूवी को देखना चाहिए सब लोगों को। ISI के कनेक्शन की बात की जा रही है कि इस फिल्म में दिखाया गया है। ISIS की कनेक्शन की ऐसे बात की गई है कि जो केरला में एक छोटा सा ग्रुप है उसने कैसे कनेक्शन बताया ISI में। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप मतलब लोकल लड़कियों को ISI के टारगेट कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं और भेजते हैं। हाँ, आप बताइए। बेसिकली ये मूवी में ये दिखाया गया है कि आपका मतलब जो कुछ लोकल ग्रुप्स है केरला के, वो कैसे आपको कल्चरली डिस्टेंस करते हैं अपने पेरेंट्स से, आपके रिलीजन से, वो उनको अंडरमाइन करते हैं और कैसे वो ओवरसेल करते हैं खुद को, फिर वो उनको कन्वर्ट करवाते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे काम नहीं होता, तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें, एंड देन वो फिजिकल रिलेशंस, मैरिटल रिलेशंस, इनसे इन्फ्लुएंस बना। फिल्म देखने के बाद में आपको समझ आया कि मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर फिल्म में जो दिखाया है कि उनका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, उनका मेथड क्या है, सबसे मेन तो इस चीज़ से आज तक मेरे हिसाब से ये लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होगा कि वो क्या मेथड डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें। जी, ISIS के जो संगठन है उसके कनेक्शन की बात की जा रही है, उसको किस तरह से फिल्म में दिखाया? उसको इसी तरह से दिखाया गया है कि ये जो लोकल ग्रुप्स हैं, जो जैसे यहाँ केरला के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं अपन, तो वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, ये लोग भेजते हैं उनके पास फंडिंग ISIS से, उन लोकल ग्रुप्स को, कि जैसे पैसा वगैरह मिलता है, ये उनके जो शरिया लॉज है वो सिखाते हैं और इनको आपको पैसे दिए जाते हैं आपके मतलब पैसे के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रॉपर कि इस लड़की के फोटोग्राफ्स ऐसे शो होंगे, ऐसे जाएंगे, अगर जिस लड़की ने वो चीज़ नहीं की होती जो चीज़ वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ लीक कर देते हैं और दूसरे कल्चर को पूरा कैसे बाइफरकेट और पूरा कैसे काटना है उसको। आपने बताया कि रियल बेस स्टोरी पे ये सब कुछ है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है केरला में तो आखिर सरकार क्या कर रही है, इस पे क्या सोचते हैं आप? सरकार अभी इसको मेरे हिसाब से अवेयरनेस फैलानी चाहिए जो कि मूवीज़ वगैरह फैलाती है। अभी किसी चीज़ को अपन काट नहीं सकते, किसी भी रिलीजन को अपन बिल्कुल हटा नहीं सकते, उनके साथ रहना है, ये तो चीज़ अपने को सबको पता ही है, बट ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए, हर लड़की को पता होना चाहिए। जैसे मैं तो जैसे ही सिनेमा से बाहर निकला था तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि यार अजमेर की जो स्टोरी है उस सोफिया गर्ल्स कॉलेज स्कूल वाली, वो भी चीज बतानी चाहिए सब लोगों को, इस पे भी एक मूवी बननी चाहिए। सेक्स स्कैंडल पे उस पे भी बननी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पर ऐसी मूवीज बननी चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले कि यार हर रिलीजन एक दूसरे के साथ रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसा लॉ है वो ही चलेगा, कोई भी ऐसी बुक है वो ही चलेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करनी सिंह है। जी, तो करनी सिंह, ये बताइए कि इस फिल्म के समर्थन और विपक्ष दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं,
आप इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं या विरोध में हैं? मैं समर्थन करूंगा इस मूवी का। तो फिर जो विरोध में हैं उनको क्या कहना चाहते हैं फिल्म देखने के बाद? उनको विरोध में ये कहना चाहूंगा कि एक बार मूवी देखिए, इसको समझिए। आपने देखी मूवी तो क्या लगता है? मैंने देखी, मेरे को ये चीज लगी कि किस तरह से अपन एक रिलीजियन जो अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है, उसको अपन पब्लिकली फैलाते हैं और उसको किस तरह से लोग मिसयूज करते हैं। जैसे आईसिस जैसे ग्रुप हैं, अब ये मुस्लिम को रिलीजन को यूज कर रहे हैं ताकि ये टेररिज्म फैले। ये अपन को है ना इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जो रिलीजन है, ये कोई भी रिलीजन ऐसी कोई भी बातें नहीं करता है, ठीक है, और किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करा जाता है। तो ये मैनिपुलेशन से बचने के ऊपर बहुत अच्छी टेक्निक है। और कैसे कैसे लोग अपनी सोसाइटी के अंदर आज भी हैं, तो अपन अगर किसी से अपन विश्वास करते भी हैं तो अपन को उससे दो बार सोच के करना चाहिए, उनके बारे में बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। अब इस मूवी के अंदर यही बताया कि वो लड़कियाँ होती है, वो नर्सिंग कॉलेज में जाती हैं, अब उनको भी वो क्या नई नई कॉलेज की लड़कियाँ होती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है और लैक ऑफ नॉलेज भी होता है। और ये जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सारे के सारे किस तरह से इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं फॉर टेररिज्म, और इनका किस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर भी यूज़ हुआ जाता है। तो ये इसके खिलाफ बहुत अच्छी मूवी है। ये केवल आप ऐसे में देखिए कि मुस्लिम और हिंदू की मूवी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मूवी है ये एक बेसिकली अवेयरनेस मूवी। आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवी आती है, कश्मीर फाइल आई उसके बाद में तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवी आती है वो समाज में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी? हाँ, नहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं, मेरे हिसाब से अवेयरनेस फैलाती है और ये कंट्रोवर्सी उनके लिए बनती है। ये कंट्रोवर्सी उनके लिए बनती है जो एक्चुअल में कंट्रोवर्सी फैलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसी फिल्में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है? नहीं नहीं, ये अवेयरनेस फैलाती है। जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ना, वो सिर्फ बुक अपने खिलाफ में भी बातें होती हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं इस तरह खिलाफ में। कश्मीर फाइल के कौन कर सकता है? मैं कह रहा हूँ मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं है, ये टेररिज्म के अगेंस्ट में है। अगर आप हिंदू और दूसरे रिलीजन वर्सेस टेररिज्म चाहते हो तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम या फिर अदर रिलीजन वर्सेस मुस्लिम अगर ये चाहते हो तो ये आपकी कंट्रोवर्सी होगी। अगर ऐसे दिमाग से चलते हो तो फिर तो ये कंट्रोवर्सी, ये मूवी ये तो मत ही देखो फिर आप, और फिर तो रहो ही मत यहाँ पर जी, फिर तो चले जाओ। स्पष्ट है। क्या लगता है आपको कि बननी चाहिए ऐसी फिल्में? सर जरूर बननी चाहिए ऐसी फिल्म। मैं तो फुल सपोर्टर हूँ, मैं तो आपके कैमरे के सुविधा से बोल रहा हूँ, मैं तो फुल हिंदुत्ववादी हूँ। मैं तो ऐसी मूवी चैनल पे नहीं, सब जगह आनी चाहिए, इसको फ्रीली दिखानी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग कश्मीर फाइल भी देखी आपने? कश्मीर फाइल एक्चुअली मैं किसी कारणवश नहीं देख पाया था। मैंने आपने चार बार देखी? चार बार हॉल में जाके देखी। फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई? बिल्कुल वही कंट्रोवर्सी, और मेरे को लगता है कि बहुत अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी वहाँ पे भी। वही बस वो चीज़ वही डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे थे कि किस तरह से लोग जो है रिलीजन को एज अ टूल यूज़ करते हैं, किस तरह से वो अपन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। कश्मीर वाइल्स में भी यही बात बोली थी कि किस तरह से उन्होंने रिलीजन को टारगेट करा था और किस तरह से उन्होंने कश्मीर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करा था। अब जैसे उसके पीछे अगर मैं देखें, उनकी फंडिंग वगैरह पूरी पाकिस्तान से होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप से होती है, और वो किस चीज़ को टारगेट करते हैं? उनका केवल केवल सॉफ्ट कॉर्नर, और वो है उनका रिलीजन। कल को अपन को भी कोई अपने रिलीजन के ऊपर बोलेगा कि ऐसा है वैसा है। कश्मीर फाइल हो या फिर केरला स्टोरी हो, क्या लगता है कि आपको कि बॉलीवुड धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसी स्टोरी बॉलीवुड उठाने लगा है? आपने कहा कि अवेयरनेस सोसाइटी में आती है। नहीं, जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स है, जैसे अब थोड़ा ये रोमांटिज्म अपना कम हो रहा है और थोड़ी अपन एक्चुअल सोसाइटी के ऊपर जितने भी अपने इशूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। ये इश्यूज डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हो गई, ये सारी बन रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोफिया सेक्स स्कैंडल की भी बात की, हाँ उसके पर नहीं, जितने भी अपने सोसाइटी के अंदर जितने भी चीज़ें बुरी बुरी हुई है, जैसे अब ये अक्षय कुमार की भी कई मूवी आई थी, पैडमैन आई थी, तो वो भी एक सोसाइटी की अवेयरनेस फिल्म थी। अब अपन उसके खिलाफ बोले तो उसका भी कोई सेंस नहीं, वैसे कि वैसे ये भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। एक आरोप ये लगाते हैं जो दूसरा पक्ष है फिल्मों पर, क्योंकि ऐसी फिल्मों के जरिए रिलीजन को टारगेट किया जाता है, कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, लगता है आपको ऐसा? नहीं देखो सर, हम सारे के सारे ना लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमने भी 295 अभी बहुत अच्छे से पढ़ा है, नो डाउट हमें उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी ऐसी कोई टारगेटिंग ऐसी कोई भी बात लगी नहीं। आपको लगता है कि किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाता? नहीं, किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाता। ये मूवी बहुत बहुत ज्यादा इस चीज में फोकस है। नहीं, इस तरह की अगर मूवी बनती है तो नहीं, इस तरह की मूवीज बने और बने, ये चीज तो पूरा मैं फुल सपोर्ट में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ जो ये मूवी देखेगा वो पूरे सपोर्ट में होगा कि ऐसी मूवीज बने ताकि अपनी जनरेशन अवेयर हो कि चीज़ जो सेक्युलर होती है वो चीज़ सेक्युलर नहीं होती है। सेक्युलर मतलब अभी मांग उठी है कि सोफिया कांड पे भी एक मूवी बननी चाहिए, आपको कितना पता है सोफिया कांड के बारे में? सोफिया कांड में जो अजमेर में हुआ था वो कांड के बारे में पूरा पता है, हजारों लाखों बच्चियां हैं उनके साथ सेक्स स्कैंडल हुआ था, और ये चीज़ उस पर भी मूवी बननी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मतलब हर एक छोटी जगह है
ठीक है, जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर से केरला चले गए अपन, बीच में बहुत सारे राज्य हैं, उनमें सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई हुई है जिससे ऐसी मूवीज बने और अवेयरनेस फैले। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर जो स्टोरी है वो दबी रह जाए एक एक समुदाय के उसमें नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि मुस्लिम जो है वो अपने कम्युनिटी में सही है और हम लोग के साथ रहें तो बहुत सही है, दूसरी कम्युनिटी के साथ रहें तो बहुत सही है, हिंदू हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहे बहुत सही है, ऐसा नहीं होता कि ऐसी फिल्मों को बैन करने की मांग क्यों उठती है। इससे पहले आप देखिए हिंदुस्तान में बहुत सी फिल्मों को बैन किया गया है, आपातकाल पर जो फिल्में बनी उन पर बैन किया गया, उनकी रील्स को जला दिया गया, ठीक है, तो ऐसी मांग क्यों उठती है कि इस तरह की फिल्मों को बैन कर दिया जाना चाहिए, कौन है वो लोग? सर ऐसी चीज़ मैंने तो कभी सुनी नहीं कि बैन कर लेनी चाहिए, क्योंकि रीज़न बीइंग साफ रहता है कि अगर आप अवेयरनेस मूवी का हम लोग जैसे इसने बताया था कि हम लोग समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं नेता उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ नेता तो सारे कहते रहते हैं, ठीक है, नेता को काम है ताकि मैनिपुलेट करें और जनता अंदर लें, ठीक है, नेताओं के अंदर नहीं आना। जो इस मूवी ने दिखाया ये मैं मोर ऑफ लाइक मूवी नहीं कहूंगा, इसको डॉक्यूमेंट्री कहूंगा, क्योंकि इसमें रियल जो भी है रियल के बारे में पूरे रियल स्टोरी बताई है उन्होंने। सोफिया कांड के बारे में बातें चल रही है कि उस बारे में मैं ज्यादा अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इतना कॉन्ट्रोवर्सी की बात आनी नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज आप फैक्ट शो कर रहे हो, सच बोलना कब से कॉन्ट्रोवर्सी होगी जी, मेन चीज तो वही होगी। फिल्म में सच दिखाया गया है, फिल्म में सच दिखाया गया। सोफिया कांड के बारे में आप? सोफिया कांड के जैसे कि मैं किशनगढ़ से हूँ तो ऐसा जानते हैं कि लोग कि अजमेर के अंदर दरगाह शरीफ लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पूरी समाज ही खराब है, ये इनके कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग अगर ये मूवीज अगर मार्केट में आएगी तो हमारी वो सच्चाई है वो मार्केट में आने वाली है तो उससे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, वो ये चाहते हैं, वो लोग आगे सपोर्ट करते हैं। जैसे लाइक मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ ओवीसी हुआ, ऐसे बहुत पॉलिटिशियन है जो सोचते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को दबाएं, पॉलिटिशियंस जो ये दबाते हैं बातों को, ये लोग इसीलिए दबाते हैं क्योंकि ये अवेयरनेस बाहर नहीं है, क्योंकि अपने को कोई चीज़ के बारे में पता चलेगा तो ही तो अपन उसको छोड़ेंगे। आपने कहा पॉलिटिशियंस दबाते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस है वो उठाते भी हैं, कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत से राजनेताओं ने समर्थन में उनके बयान, सुधांशु त्रिवेदी हुआ, बहुत सारे हुए, इन सबके मैं बिल्कुल ऑल टाइम के सब वीडियोस वगैरह देखता हूँ, एज पॉइंट बात करते हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते ना उन लोगों को यही लगता है कि इस बात को हम लोग दबाएं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी हुआ सबके पास में एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि हम ये बात क्यों गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल डरते नहीं है, एक आपके सामने मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को डर नहीं है, उनको भी डर नहीं है, वो बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं। कर्नाटक में जिस टाइम हिजाब बैन की बात हुई थी तो वहाँ के गवर्नर जो है वो भी मुस्लिम है, तो उन्होंने भी यही बोला कि रिलीजन जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका भी यही था, वो भी नो डाउट मुस्लिमों की भी ऐसी बात करें, वो एक स्कॉलर हैं, वो रिलीजन को प्रैक्टिस भी करते हैं, वो रिलीजन को समझते भी हैं कि किस तरह से अपन अपने आप को लिमिट करते जा रहे हैं इन सब नैरो बाउंडेशंस के अंदर, तो इसमें मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर ये जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जैसे अपन देखते भी हैं, आपने बोला कि वो पार्टी के हैं तो वो मुद्दा बना रहे हैं, तो उनका मुद्दा बनाने का केवल यही रीज़न है कि उन्हें लाइमलाइट में आना है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है अभी, उनसे कुछ काम होते नहीं है, तो कुछ नहीं मूवी के ऊपर टिप्पणी कर लो। तो देखा आपने ये जयपुर के युवा हैं जो अभी केरला स्टोरी जो फिल्म है उसको देख कर आए हैं, और इनका सभी का एक मत ये कहना है कि इस फिल्म को ज़रूर देखा जाना चाहिए, इस फिल्म में कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाया गया है, और भी इस फिल्म पर और भी लोगों के हम ओपिनियन जानेंगे और आपके साथ में साझा करेंगे, बने रहिए थिंक 360 के साथ, धन्यवाद।